गुरु शिष्य संबंध इस धरती का सर्वश्रेष्ठ पावन पवित्र संबंध है। गुरु गीता हर अनुयायी दे लई एक श्रेष्ठ माध्यम है जिस तो गुरु की कृपा निरंतर सदा प्राप्त की जा सकती है। डॉक्टर प्रणव पांड्या, जेकर शिव क्रोधित हो जान तां भी शिष्य की रक्षा करन विच सतगुरु समर्थ हुंदा है, परंतु जेकर गुरुदेव नाराज हो जान तां उसनू महाद्रुद्र शिव भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सब तरह के यतन करके सानू श्री गुरु की शरण विच जाना चाहिए है। भगवान शिव, पुस्तक का नाम गुरु गीता पाठ विधि। गुरु गीता साधक की संजीवनी है। यह स्कंद पुराण के उत्तराखंड विच लगभग पौने 200 श्लोकों विच प्रगट होया है। इस विच आदि माता पार्वती शिष्य रूप विच देवां दे देव महादेव दे सन्मुख एक जिज्ञासा प्रगट करती है कि वह केड़ा मार्ग है जिस तो जीव ब्रह्म स्वरूप नू प्राप्त कर सकता है। भगवान सदाशिव कहंदे हन कि गुरु ही ब्रह्म है, इसलिए जो सतगुरु दे चरणा की सेवा करता है वह ब्रह्म भाव नू प्राप्त कर लैंदा है। जेकर गुरु तत् दा बोध ना होवे तां यज्ञ तप व्रत दान जाप तीरथ आदि करन वाले ही मूरखां वांग विहार करदे हन। इस तो बाद भगवान शिव दी व्याख्या करदे हन। वो कहंदे हन, गू शब्द तो गुना तो प्रगट हुंदा है अते रू शब्द तो रूपातित दिखाई दिंदा है। जो निर्गुण अते निराकार आत्म स्वरूप प्रदान करदा है उसनू गुरु कहंदे हन। जो तीन नेत्रां दे ना होण ते वी शिव समान सब थाई देखण वाला है, चार भुजावां दे ना होण ते वी विष्णु है, चार मुख ना होण ते वी ब्रह्मा है, उसनू गुरु कहंदे हन। उहनां दी मेहर तो ही जीवां नू भेद बुद्धि वाले संसार तो मुक्ति मिलती है। तुहाडे सामने पेश है ये पुस्तक गुरु गीता, जिस विच पाठ दे विधि विधान दे नाल नाल महिमा दा प्रगटावा बहुत चंगी तरह किया गया है। पुस्तक दे कुछ अंश, जो कहंदा है कि मैं ब्रह्म नू नहीं जानदा वह ज्ञानी है। सतगुरु दे चरणा दी सेवा तो साधक सब पापा तो मुक्त होके पवित्र आत्मा हो जाता है। जागृत आत्मा अते सतगुरु एक ही हन, भिन्न नहीं हन। गुरु दा ध्यान सब तरह तो आनंद देन वाला है। अपने जीवन विच कल्याण दी कामना करन वाले साधक नू गुरु तो इलावा होर कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। सतगुरु दे चरण कमल संसार दे सब दुखा दा नाश करन वाले हन। पुस्तक दे कुछ मुख बिंदु, संकल्प, गायत्री जाप, श्री सद्गुरु प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना।